देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नाबालिग के साथ अपहरण का हुआ प्रयास, कार सवार तीन लोग घटना को अंजाम देने में असफल। मामला सरसी थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव का। आरोप है कि गांव के ही तीन लोगों ने 17 वर्षीय नाजरीन को अपहरण करने का असफल प्रयास किया। परीक्षा देने घर से निकली नाजरीन को गांव से बाहर कार सवार अपराधियों ने घेरा, फिर ग्रामीणों के आने पर फरार हुए आरोपी। इस मामले में नाजरीन की एक सहेली है चश्मदीद। पुलिस कर रही है मामले को नजरअंदाज, तो पीड़ित परिवार पहुंचे पुलिस कप्तान के पास। हम लोग स्कूल जा रहे थे सर, हम लोग को कोई पता नहीं था कि आज हम लोग के साथ क्या घटना घटित होने वाली है। हम लोग को लेट भी हो गई थी कॉलेज जाने में, और उसके बाद प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम चल रही थी। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे थे, उसके बाद जब आधे रास्ते पहुंचे पेड़ की गाज जामुन की पेड़ के पास आए, हम लोग जा रहे थे सीधे, एक फोर व्हीलर वाला ने तीन लड़के के साथ आकर के खड़े कर दिए फोर व्हीलर को। उसके बाद क्या कह रहे हम लोग उस फोर व्हीलर वाले को, हम लोग दिल में सोचे कि वो अपने काम से ज़रूरत के लिए उतरे होंगे। उसके बाद हम आगे निकलना आगे, जब हम गाड़ी से आगे निकले तो तीनों व्यक्ति ने देखे कि फोर व्हीलर से उतर करके मुंह में लाल पट्टी बांध करके हमारे पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। हम दोनों लड़की ने भागना खूब प्रयास किए, आगे पश्चिम भागे तो आगे जाके घेर लिया, और उसके साथ दक्षिण भागे, मकई खेत में दो खेत लांगे तो तीसरे खेत में जाके गिर गए, वहाँ दांती लग गया। उसके बाद हमको घिसते हुए ला करके रोड के किनारा लगाया। उसके बाद हमारे साथ दो लड़की उधर मसुईया की भी आई, वो भी बचाई, ईटा गिट्टी उठाई। उसके बाद ये फरहाना भी हमको पकड़ के बैठी थी, क्या कह रहे पकड़ी। उसके बाद वो हमको बचाने का पूरा प्रयास किया, उसको भी कहता है कि हटो नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे, तुमको उठा, तुमको भी उठा लेंगे। ये बेचारी फिर भी हमको छोड़ी नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हमको फिर कौन किसी तरह हम दोनों को ले आके कौन पहुंचाया नहीं पहुंचाया स्कूल तक। हम लोग स्कूल में भी हमको सर लोग पानी पिलाएं, ये करें वो करें। उसके बाद हमको होश आया, फिर पूछा सर क्या क्या हुआ, तो हम बोले सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। अच्छा, जो थे उनको पहचानते हैं आप तो? जी हम इस तरह का आखिर करना क्या चाह रहा था, क्यों आप क्या करना चाह रहा था? पहले से वो जान पहचान था क्या? इससे पहले से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था सर। अच्छा, जान मतलब नहीं पहचान? नहीं, कोई जान पहचान नहीं था, हमको कोई टेंशन नहीं था। आप उनको जानते हैं? हमारे नहर बीच में नहर है। वो जो आदमी था उसको आप पहचानते थे सर? वो तो लाल पट्टी बांध हुआ था, जब लड़की लोग घिसी ना गाड़ी कभी देखे थे उसका, वो जो गाड़ी से आया था? नहीं सर, वो गाड़ी से हम कभी नहीं देखे थे। फोर व्हीलर ऐसे रोड पे चलता है सर, तो हम वो गाड़ी को क्यों उसको ध्यान देंगे? उसके बाद फिर क्या हो? आप लोग केस किए हैं? हम लोग जी केस किए, हमारे पापा ने जाके थाना में आवेदन लगा। हम एस पी साहब के यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि 18 तारीख को दिन के 10 बजे हमारी लड़की इंटर का प्रैक्टिकल का जो है एग्ज़ाम देने जा रही थी। दो लड़की साथ थी, दोनों लड़की जा रही थी पैदल। उसके बाद जो है चार चक्का लेकर के तीन बदमाश था, एक ड्राइवर था, चारों जो मिल करके लड़की के पास जा करके चार चक्का को रोक दिया। रोकने के बाद लड़की को जो है पकड़ के गाड़ी पर बैठाने का कोशिश किया। अच्छा, सारी बात तो हो गई, अभी यहाँ एसपी साहब थाना में केस भी किया। हम थाना में केस करने आए हैं। क्या लगता है उनको कोई मतलब जानने वाला या फिर जानने वाला ऐसा कोई? हमने दरोगा को जो है आवेदन दिया। हाँ। और थाना के जो है छोटे बाबू हैं, वहाँ जब हम गए हमने उसको सारा बयान दिया, तो वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई मोहब्बत प्यार 2 साल से चल रहा है? हम कहे नहीं सर, उसको हमारे कभी आज तक घर नहीं आया। तो कहते क्या कि मैं बोला कि सर एक बात बताइए, अगर उसको प्यार मोहब्बत था तो वो तो कभी भी अकेली भाग सकती थी एक लड़के के साथ, वहाँ चार बदमाश को ले जाने की क्या जरूरी था? तो थाना में केस हो गया है? जी हो गया है। अब यहाँ तो छोटे बाबू हमको कह रहे रिजवी साहब कि तुम्हारी साजिश है, ये तुमने करवाया है, उल्टे ही हमें कह रहे हैं। ये कितना दिन पहले का मामला? ये कल परसों का मामला है। यहाँ एसपी साहब के यहाँ आए हैं? एसपी साहब के यहाँ, जब हमारा वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा इसलिए एसपी साहब के पास आए। क्या मांग करनी है? मांग हमारा ये है कि उन बदमाश को जो है पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, किसी के साथ कार्रवाई की जाए। केस जो किए किसी के नाम से किए या अज्ञात लोगों को? नहीं, उसी तीनों के नाम से किए। तीनों को पहले जानते थे? हाँ, पहले से हम जानते थे। आप जानते थे? आपकी बेटी बोल रही हम नहीं जानते? सब जानते, वहाँ हमारा जमीन वमीन पड़ता है जहाँ उसका घर है, हम वहाँ जाते आते हैं खेती। बेटी आपकी बोल रही हम नहीं जानते हैं? नहीं जानती है।